क्वेश्चन है अलजेब्रा का, देखते हैं। गिवन दैट 10 पावर 0.48 इज इक्वल टू एक्स, 10 पावर 0.70 इज इक्वल टू वाई एंड एक्स पावर जेड इज इक्वल टू वाई पावर 2, देन द वैल्यू ऑफ जेड क्लोज टू, ठीक है। चलिए जो गिवन है जो फाइंड करना है वो निकालते हैं। एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू वाई की पावर 2, जेड है ये, जेड की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, सॉरी ये एक्स है और एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 10 पावर, यहां पर रख देते हैं 48 और ठीक है पावर में z है और y की पावर कितनी है 10.70, यहां पावर में 2 है। इसको फर्दर सॉल्व करा हमने तो ये हो गया 10 पावर 0.48 z इज इक्वल टू 10 पावर 70 की पावर 2 करेंगे तो 1.4 है ना, 70 × t, यहाँ पर डेसिमल है तो ये 1.14, कोई जीरो ना लिखे तो भी कोई फर्क नहीं। अब आप यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज हुई a की पावर b और की पावर c, तो हमेशा ध्यान रखिए ये bc होता है, पावर्स का प्रोडक्ट होता है जब भी ब्रैकेट हो। दूसरा कि अगर a की पावर 3 है और a की पावर x है, अगर ये देखिए बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल टू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेस सेम है आपका 10 10, तो मैं कह सकता हूँ 0.48 z इज इक्वल टू 1.4, तो z का वैल्यू आया 1.4 अपॉन 0.48। तो चलिए पॉइंट हटाएगा तो यहाँ पर 2 जीरो आएंगे और यहाँ से पॉइंट हटेगा मुझे डिनोमिनेटर में क्या है ये रह गया, तो हो गया ये 140 अपॉन 48, क्लियर है। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, ये तो 70 हो गया 2 से डिवाइड करा और ये 24 हो गया, और थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं ये 35 हो गया और ये कितना हो गया है आपका 12। अब अप्रोक्सीमेट आ गया इस, अब ये 12 1 12 12 3 36 ज्यादा हो जाएगा, यस और नो, है ना। तो 12 2 24 तो 35 में से आप 24 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट लगा लूं, क्लियर है। पॉइंट लगाने के बाद 0, तो अब मैं आगे डिवाइड करना चाहता हूं तो 9 जाता है, अप्रोक्सीमेट 2.9, क्लियर है वाली बात।